मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से पंचायती राज विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों के कार्य होंगे, जिसके संबंध में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि पंचायती राज विभाग कार्यालय में मानव संपदा पोर्टल पर कार्य चल रहा है। इसके लिए हमने 40 लोगों की टीम लगाई है। उसके तहत जो भी छुट्टियां होंगी, जो भी पेंशन होंगे, स्थापना से जुड़े जितने भी कार्य होंगे, वह सब ऑनलाइन होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा जारी की गई योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए 40 टीमें गठित की गई हैं, जिससे जल्दी से जल्दी HRMS के पोर्टल का कार्य किया गया, जिससे कर्मचारियों की छुट्टियां और आगे जो भी छुट्टी होंगी वह सब ऑनलाइन होंगी। उन्होंने बताया कि इससे कई फायदे होंगे। इससे जानकारी लेने में आसानी होगी, एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने में ऑनलाइन चला जाएगा। इससे किसी को छुट्टी लेना हो तो ऑनलाइन छुट्टी ले सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं और छुट्टी स्वीकृत होने के बाद ऑनलाइन देख सकते हैं। कोई भी कागज़ भेजना होता है उसे पहले ईमेल द्वारा किया जाता है, वह अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें पेंशन के सुरक्षित के बारे में भी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कब पेंशन आएगी, स्टेटस देख सकते हैं कि कहां पर है, आने में क्यों देरी हो रही है, किसी को लीव लेना हो, रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ लेना हो, तो यह इस पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी मिल सकती है। HRMS पोर्टल से कार्य करने में काफ़ी आसानी से कार्य हो जाएगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा। इनका मत लीजिए, विजय जी का मत लीजिए। आज हम लोग अपने ब्लॉक इस पे जिला ऑफिस में मानव संपदा पोर्टल पे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 40 लोगों की टीम लगाई है। अब जो भी छुट्टियां सेंशन होगी या पेंशन दिया जाएगा, ये जो भी स्थापना से रिलेटेड जो भी कार्य होगा सब ऑनलाइन होगा। इसके लिए HRMS की वेबसाइट सरकार के द्वारा डेवलप की गई है, उसके तहत हम जो भी गोरखपुर के पंचायत विभाग के जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं, लगभग 3300 कर्मचारी हैं, उन सबों की एंट्री जो है इस पे हो रही है, स्थापना पे ऑनलाइन हो रही है HRMS पोर्टल पे। इसके लिए आज जोर शोर से काम चल रहा है, आज शाम तक हमें इसे समाप्त करना है। इसके लिए हम लोगों ने 40 लोगों की टीम लगाई है ताकि सभी लोगों का जो सर्विस बुक की एंट्री है वो HRMS पर पोर्टल पे हो जाए। कल से आगे जो है भविष्य में इन लोगों की छुट्टियाँ या बाकी सब चीज़ें जो होंगी बाद में सभी ऑनलाइन ही मिलेंगी। बेनिफिट क्या रहेगा इससे? सब कुछ जो है सब कार्यों को करने में आसानी होगी, एक लेवल से दूसरे लेवल जाने में जो है सब ऑनलाइन चला जाएगा। अभी कोई भी चीज़ हम भेजते हैं तो उसको हार्ड कॉपी भेजते हैं, उसके बाद तब सॉफ्ट कॉपी भेजने में ईमेल का सहारा लेते हैं, या कोई छुट्टी देना होता है लेना होता है तो उसको भी तब सभी भी हार्ड कॉपी पे होता है, कागज़ पे होता है, तो पेपरलेस वर्क हो जाएगा इससे। और जो भी जिसको छुट्टी में जैसे छुट्टी स्वीकृत हुई, जिसने छुट्टी आवेदन किया ऑनलाइन छुट्टी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी छुट्टी स्वीकृत हुई तुरंत वो देख सकते हैं उनकी छुट्टी स्वीकृत हो गई। आगे जो है किसी का पेंशन का भी जो पेपर है कोई भी कहीं भी अपना देख सकता है मेरा क्या स्टेटस है, कहाँ पेंशन मेरा फंसा हुआ है, या क्या आपका पेंशन मिलेगा, या किसी को लीव लेना है, या किसी को रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स होते हैं वो सारे बेनिफिट्स जो है वो सब कुछ जो है ऑनलाइन कोई भी चेक कर सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी और कार्य के करने में जो है गति आएगी।